अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र वो सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वहीं हैं हाशिए पे। और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है, ये घर आज के नहीं है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से, अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है, सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंत नगर वालों के और उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं, तो इनकी भी सुन सकते हैं। क्या तो ऐसा है कि फिर यहां ये सरकार सबका साथ सबका विकास की नहीं, जाति धर्म देख के कार्रवाई करे, क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं, सत्ता पे सारे आंकड़े हैं कि इन बस्तियों में जो हैदर कैनाल रोड है पूरी, इसमें जो लोग रहते हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझे, तो वो इनके जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है, जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है, अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी जमीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन जमीनों को, गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतने दिन मेहनत की है, उनको देके और इनके जीवन को बचा सकती है, इनके उनको टूटने से बचा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इस कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीरों को रात में तारे दिखने चाहिए, इसलिए गरीबों के घरों को जमींदज किया जा रहा है। हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि वो पंतनगर के तरह इनका दर्द भी सुने। और इसका एक कड़वा सच ये है, अगर किसी कोर्ट के आदेश पर ये हो, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो मुख्यमंत्री पर ताकत है कि वो जनता का संरक्षण कर सकते हैं, वो इनको विस्थापित कर सकते हैं, अच्छी जगह दे सकते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट को और ऊंचा करके बना। लोग विरोध नहीं कर रहे प्रोजेक्ट का, लोग भी चाहते हैं विकास, लेकिन ये गरीबों की बस्तियों से जो विकास हो रहा है ना, उनको कुचल के, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह उधर से बना लो, लेकिन अगर उधर से बना तो थोड़ा ऊंचा बना लो, लोगों की जान बच जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम उद्देश्य इन लोगों को उजाड़ने का है, और हम अपने लोगों को उजाड़ने नहीं देंगे। सारे काम हो सकते हैं, अकबर नगर में जो हुआ है आप सब लोगों ने देख लिया, उनको छोटे छोटे कमरों में रख दिया, वहां बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सब लोग रो रहे हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती 5 लाख रुपए का वो जो है एक अमाउंट तय कर दिया कि आपको ये देना है। लोगों पर खाने को रोटी नहीं है, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए, तो ये पैसा जब करोड़ों करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ करते, तो जनता का माफ कर दो। तो मेरा ये मत है कि सरकार को हमारी इस मांग को सुनना चाहिए, और अगर सरकार, मुख्यमंत्री यहीं रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री खुद जाकर देखेंगे तो उन माओं के आंसू देख के शायद मुख्यमंत्री का दिल पिघल जाए, उनको तरस आ जाए इन गरीबों पे, जो गरीब अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी गरीब परिवारों के साथ हूं, और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हम लोग लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि सत्ता हमारी बात को इसलिए सुनेंगी क्योंकि बहुत जल्द चुनाव में वोट मांगने भी सत्ता के लोगों को जाना, वरना वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भी इसी तरह जो है विकास के नाम पे गरीबों को उजाड़ा गया, फिर जनता ने यह बताया कि धर्म सेकेंडरी है, पहले उनका जीवन है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनको इज्जत की जिंदगी मिले, और जो उनको नुकसान पहुंचाएगा उनको सबक सिखा, वो वोट की तौर से सबक सिखाएंगे। साथ साथ